नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। राजस्थान में ऐसी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। इसमें टोंक सीट भी शामिल है। सीट से राजस्थान में कांग्रेस के नंबर दो नेता कहे जाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मैदान में है। सचिन पायलट टोंक से मौजूदा विधायक भी हैं। वहीं बीजेपी ने सीट से अजीत मेहता को कैंडिडेट बनाया है। टोंक को लेकर ऐसा माना जाता है कि सीट पर पार्टी नहीं एक व्यक्ति की धमक है। यहाँ मुद्दों के साथ साथ जाति की बात होती है। वैसे तो इस सीट को मुस्लिम बाहुल माना जाता है, लेकिन गुर्जर वोट की तादाद भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। कहा जाता है कि 2018 के चुनाव में जब सचिन पायलट इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ की जनता इस उम्मीद में थी कि उन्हें अपना मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसकी कसक आज भी लोगों में देखी जा सकती है। तो सचिन पायलट के लिए इस बार ये सीट पर कितनी ज़्यादा कड़ी टक्कर होने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी मतदान हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उस पर ज़ाहिर तौर पर देखा जाने वाला है कि आगे आने वाले वक्त में ये सीट सचिन पायलट के लिए कितनी मुश्किलों भरी हो सकती है और कांग्रेस की ओर से उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।